दरभंगा में एम्स बने ये तय नीतीश कुमार जी ने किया, बिहार को दूसरा एम्स मिले और दरभंगा में एम्स बने वो तय किए। हमको तो अब तो केंद्र के लोग ही और जो लोग करवाए हैं वही बताएंगे जो क्यों कैंसिल करवाए। सरकार का स्टैंड स्पष्ट है कि दरभंगा में ही एम्स बने। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं उसको बोलिए ना, वो क्या बोल रहे हैं कि कहाँ बनेगा एम्स, बिहार सरकार ने कहाँ कैबिनेट में पास किया, बिहार सरकार ने पैसा कहाँ पर दिया, वो न बात है असली। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार सरकार में मंत्री संजय जाज जेडीयू कार्यालय में जनसंवाद करने पहुंचे और जिस तरीके से जीताराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से बीते दिनों इस्तीफा दिया उसको लेकर उन्हें साफ तौर पर कहा कि जो जहाँ चाहते थे वहीं चले गए हैं और इसलिए इस्तीफा दिए हैं, वहीं जिस तरीके से दरभंगा और सहरसा में एम्स बनाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार लगातार स्पीचेस पर कह रहे थे कि दरभंगा में जो एम्स बनना चाहिए और शहरी क्षेत्र से अलग होकर, उस पर संजय झा ने दिल्ली सरकार पर तंज कसा है और कहा कि नीतीश कुमार इसके लिए ज़मीन भी दिए हैं और काम उस पर हो रहा था। लेकिन सुशील मोदी जिस तरीके से ये बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार सासाराम और दरभंगा को लोगों को लड़ाना चाहते हैं, इसको लेकर संजय झा ने सुशील मोदी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग ये काम नहीं करवाना चाहते और दिल्ली की सरकार क्यों नहीं इस पर बात कर रही है और भी क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री संजय झा, इस वीडियो का पूरा देखें। नहीं, डैमेज कंट्रोल क्या है, रत्नेश सदा जी 3 बार के विधायक हैं और मुसहर समुदाय के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं पूरे बिहार में, सहरसा जिला के रहने वाले, पूरा बिहार और खास करके उत्तर बिहार में जो सदाई कम्युनिटी है उसमें एक बहुत ही खुशी का माहौल है। सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और पार्टी का तो वैसे भी महादलित हो या महादलित में खास करके जो मांझी मुसहर कम्युनिटी में काम करना हो मुख्यमंत्री जी करते रहे, इनके आने से पार्टी का आधार और भी मजबूत होगा और बहुत स्वागत है उनका राजमंत्री बने। और देखिए अभी स्वाभाविक है, आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है, हर एक पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करते हैं, उसमें कोई रुकावट तो है नहीं, सब कार्यक्रम करेंगे। और 23 तारीख की बैठक पटना में है, सारे विपक्ष के लोग जिन जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी गए सारे लोग पटना में आ रहे हैं और आधा लड़ाई जो है अब हाफ बैटल जीत जाते हैं तब एक साथ बैठ जाते हैं, आप समझ रहे हैं बात, सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, निश्चित रूप से सब शुभ संकेत है 24 के। संतोष सर, संतोष सुमन ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे तो एनडीए में चले जाएंगे, तो पहले से ही हम लोग को आइडिया नहीं, तो पहले ही जाके मिल रहे थे, वो स्वतंत्र है ना, कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे, इतना बड़ा इशू है आपको अच्छी बात नहीं। ठीक, अब हम लोगों को नहीं मालूम है दरभंगा में एम्स बने ये तय नीतीश कुमार जी ने किया, बिहार को दूसरा एम्स मिले और दरभंगा में एम्स बने वो तय किए। और पूरे देश में जहाँ भी एम्स बना है वो बना है ग्रीनफील्ड जमीन पर। पटना में एम्स कहाँ बना है, पीएमसीएच में बना है, आईजीएमएस में बना है, पटना में एम्स पटना शहर के बाहर आउटस्कर्ट पर जाकर के बना फुलवारी में। दुनिया में जहाँ भी एम्स बना है वो एम्स नए जमीन पर बना है और डीएमसीएच का अस्तित्व समाप्त हो जाता और उसके अंदर बनता था। और आपको पता है कि उसमें जो रिपोर्ट दिया है कि वो वाटर लॉगिंग है, अब बताइए बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, पूरा सिंगापुर एक तिहाई समुद्र भर के बना हुआ है, एम्स्टर्डम जाइए पूरा शहर समुद्र के नीचे है, दुनिया कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी में चला गया और 8 फीट 7 फीट जमीन भर के बिहार सरकार ने तो पैसा दे दिया था भरने के लिए वहाँ पर टेंडर कर। हमको तो अब तो केंद्र के लोग ही और जो लोग करवाए हैं वही बताएंगे जो क्यों कैंसिल करवाए। उससे सूटेबल जगह किसी भी शहर में 150-200 एकड़ जमीन आज के डेट में मिलना आसान नहीं होता। और दरभंगा शहर में पीएमसीएच बनने से वैसे ही शहर में जाम की स्थिति रहती है,
जो पॉल्यूशन की स्थिति है, पहली बार भी जो केंद्र का टीम आया था डीएमसीएच को रिजेक्ट किया था, यहाँ नहीं बन सकता है, वाटर लॉगिंग है, कुछ ज़मीन आप रेलवे लाइन को उधर दे रहे हैं और ये जो ज़मीन है वो कोई भी जाएगा आपको भी कहेंगे जाके देखिए ये फोर लेन के पास है, दरभंगा एयरपोर्ट के बगल में है और सारी सुविधा करके बिहार सरकार वो दे रही है। और जो केंद्र की टीम भी आई थी, मीडिया के लोगों ने बात किया था, अखबार में आया, उन्होंने संतुष्टि जाहिर की देखने के बाद। अब उसके बाद दिल्ली जाके क्या हुआ वो तो वही लोग बताएंगे। मैं फिर अच्छा किया आपने पूछ लिया, वो इस उसमें भाजपा के सांसद भी साइन किए हुए हैं, देखिए चिट्ठी। तो कोई सांसद अपने क्षेत्र में कोई चीज़ बने वो कोई सब डिमांड करता है, कोई विधायक सांसद, सरकार और मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये ना मैटर करता है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में उस स्पॉट पर गए दरभंगा में, वहाँ से अनाउंस किया उन्होंने और कैबिनेट से पास करके पैसा दे दिया। कि डिबेट कहाँ से आ रहा है फिर इस बात का, हर एक विधायक सांसद स्वतंत्र है अपने एरिया में कुछ डिमांड करने के लिए, लेकिन सरकार ने क्या स्टैंड लिया, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा तो वो नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? सबसे बड़ी बात तो वो न है, सरकार का स्टैंड स्पष्ट है कि दरभंगा में ही एम्स बनेगा। सुशील मोदी आरोप लगा रहे हैं कि सहरसा और दरभंगा की जनता को लड़ाना चाह रहे हैं। अरे भाई इतना स्पष्ट तो बता दिया आपको कि मुख्यमंत्री जी ने डे वन से दरभंगा में एम्स बने ये तय किया हुआ था और उन्होंने ही अनाउंस किया दरभंगा में बने और आज भी उसी स्टैंड पर है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की स्थिति मत कीजिए। और कोई विधायक कोई सांसद जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं आप, उस चिट्ठी में भाजपा के सांसद ने भी साइन किया हुआ है, अजीब बात है। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं उसको बोलिए ना, वो क्या बोल रहे हैं कि कहाँ बनेगा एम्स, बिहार सरकार ने कहाँ कैबिनेट में पास किया, बिहार सरकार ने पैसा कहाँ पर दिया, वो ना बात है असली कि वो क्या बोल रहे हैं। तो आपने सुना बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि वो लोग जिस तरीके से दरभंगा और सहरसा में दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही थी एम्स की बात, उसको लेकर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इस पर बाधा डाल रही है और बाधा डालने की वजह से काम अभी पूरा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार इस चीज़ को हमेशा अडिग रहे हैं और काम कराने में हमेशा मुहिम को तेज रखे हैं। और वहीं सुशील मोदी के जवाबों का जमकर पलटवार भी किया है और जोरदार हमला भी बोला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।